रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है इक्वेशन मेथड। पहले आप समझना, कुछ एक सवाल में ये लगता है और कुछ एक सवाल में नहीं भी लगता, ठीक है। इक्वेशन मेथड कब अप्लाई करना होता है कि कुछ कंडीशंस है, उस कंडीशन को देखना। बहुत बच्चे बोलते हैं सर इसमें तो पता नहीं कैसे आ गया, इसमें तो इक्वेशन मेथड लगाया नहीं लगाया। 10 ईयर में मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं, सिचुएशन भी इनफेक्ट सेम था, लेकिन वहां पे इक्वेशन मेथड लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। इक्वेशन मेथड है क्या बेसिकली? एग्जाम्पल, मैं वैसे अभी 10 ईयर का एग्जाम्पल लूंगा, एक मैं समझाने के लिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ, लेकिन सवाल 10 ईयर का करके दे। मान लेते हैं कंपनी को 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख रिडीम करने हैं, और उसे भी करना है एट 10% प्रीमियम पे। नाउ कंपनी के पास पहले से जनरल रिजर्व है और कंपनी के पास पहले से सिक्योरिटी प्रीमियम। जनरल रिजर्व मान लेते हैं 10,000 और सिक्योरिटी प्रीमियम मान लेते हैं 5,000, या जनरल रिजर्व मान लेते हैं 30, ठीक है। अब कंपनी कहते हैं कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू करना है। मिनिमम नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कहते हैं मैंने प्री शेयर इशू करना है, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू करना है एट, और जो इक्विटी शेयर इशू होगा वो भी प्रीमियम पे होगा, 10% प्रीमियम, एंड फेस वैल्यू 10 रुपए। अब इस सवाल में आप देखोगे आपको शेयर नहीं पता, सर इसमें तो एक ऐसा भी तरीका हो सकता है, तो दो तरीके से मैं सॉल्यूशन करूंगा। मिनिमम नंबर का मतलब होता है कि कई बार हम ये चाहते हैं कि ना हमारा 1 रुपए भी एक्स्ट्रा ना हो, 1 रुपए भी एक्स्ट्रा ना हो। मैं एक काम करता हूं, चलिए कोई मैं एक क्वेश्चन ये करके दिखाऊंगा और एक क्वेश्चन सेम 10 ईयर का करके दिखाऊंगा, फिर कंपेयर करना। अब मिनिमम नंबर का मतलब क्या है कि हम इतने नंबर ऑफ शेयर इशू करें कि हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा ना बचे, एक्स्ट्रा अमाउंट ना बचे। मतलब इतने शेयर इशू करो जिसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पेमेंट भी हो जाए, सिक्योरिटी पेमेंट भी हो जाए, कोई जनरल रिजर्व में कुछ बचना नहीं चाहिए, कोई सिक्योरिटी प्रीमियम में कुछ बचना नहीं चाहिए। यहां पे पॉइंट ये, ऐसे सिचुएशन में हम एक इक्वेशन बना लेते हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर का टोटल कितना पेमेंट करना है। इक्वल टू हमारे पास कितने रिजर्व एंड सरप्लस है, ऑल रिजर्व एंड सरप्लस जो यूज होता है, प्लस कितने नंबर ऑफ शेयर्स बताया नहीं है, मान लेते हैं हम एक्स नंबर, क्योंकि मिनिमम नंबर निकालना है तो हमने क्या मान लिया, एक्स नंबर, और प्रीमियम भी तो जुड़ेगा अभी, ये तो नंबर ऑफ शेयर्स, प्रीमियम क्या हो जाएगा, x/10। ये क्या है हमारा टोटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अमाउंट, जैसे कि कितना आएगा हमारे वाले सवाल में, 10% यानी 1,10,000। हमें 1,10,000 की जरूरत है। रिजर्व कितने हैं सारे, रिजर्व देखो तो 30 और 5 35, अब इक्विटी ये भी ले लेंगे हम, प्लस एक्स क्या माना, नंबर ऑफ शेयर्स, और इसको अगर मैं प्लस कर दूं यहीं पे तो क्या आएगा, 11x। इसको इस साइड ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो माइनस होके क्या आ जाएगा बताओ, 75 आएगा, इजिकल टू 11x, 10 से मल्टीप्लाई 750,000,
इज इक्वल टू 11x। अगर हम x की वैल्यू सॉल्व करें, मेरा कैलकुलेटर कहाँ गया भाई, x की वैल्यू अगर हम सॉल्व करें तो क्या आता है, नहीं था कैलकुलेटर, कितना आ रहा है, 750 डिवाइडेड बाय 11, क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू 68181 अप्रोक्स, क्या आ गया, अप्रोक्स लग गया। अब हम एक बार हिसाब किताब बनाते हैं, सर हमें इतना पैसा किससे मिलेगा, किससे मिलेगा इतने पैसे, ये क्या निकल के आया है, अमाउंट या नंबर, अमाउंट निकल के आया, ये क्या निकल के आया है, अमाउंट निकल के आया है, ये टोटल इतने अमाउंट होंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें, 68181 डिवाइडेड बाय 10, यानी 6818 इतने नंबर शेयर। अब देखिए हमारा जनरल रिजर्व में कितना बैलेंस था, सर 30,000, ठीक है। अब इस फ्रेश इशू से मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा, क्योंकि ये भी तो प्रीमियम पे है, ये भी फ्रेश इशू किस पे इशू है, यहां से प्रीमियम आएगा या नहीं आएगा, आएगा, कितने आएंगे प्रीमियम, 6818, और ओल्ड वाला भी सिक्योरिटी प्रीमियम कितने थे, टोटल कितने हो गए, यानी किसका, प्रीमियम का, हमारे पास प्रीमियम चाहिए कितना हमें, 10, 818 रुपए प्रीमियम फालतू बन, समझ में आ रहा है। अब देखिए 30,000 ये है हमारे पास, जिससे हम क्या बना सकते हैं, CRR। अब CRR अगर आपका 30 का बन गया, तो आपको फ्रेश इशू की जरूरत है कितने की, 70 की। तो अगर आप फ्रेश इशू करते हो, कितने फ्रेश इशू कर रहे हो, 70, लेकिन आपने फ्रेश इशू कितने किए, 6818, यानी यहां पे पैसे कितने कम पड़ गए आपके, करीब 1,000 से। तो इस वाले जो मैंने इक्वेशन बनाया, पहले ये वाला इक्वेशन देख लो, समझ में आया, क्लियर है, चलो अभी मैं इस पे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा पुट। दूसरा एक बार करते हैं 10 ईयर का क्वेश्चन, क्योंकि इसमें जो मेन कंफ्यूजन है ना बच्चों का, मैं वो समझाना चाह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा ये वाला बिल्कुल सही है। अब एक 10 ईयर का सवाल उठाते हैं, और 10 ईयर के सवाल के अंदर मैंने इक्वेशन मेथड का एक छोटा सा क्वेश्चन डाला था, वो भी मैं करके दिखाता हूं। दिखाइए, कोई दिखा दो एक 10 ईयर, आपके 10 ईयर में ये रहा 8 है, यूनिवर्स के नाम से, पेज नंबर 61 पे 8 यूनिवर्स के नाम से, रिडीम इट्स 2008% 20,008% प्रेफरेंस शेयर। मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूं, यहां 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 20,000, 10 रुपए का एक, 10 रुपीस ईच, और 10% प्रीमियम पे, और इसे भी करेंगे एट 10% प्रीमियम, हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है सिक्योरिटी प्रीमियम में 2,000, और रिजर्व एंड सरप्लस में 10,000, यानी प्रॉफिट एंड लॉस में, और जनरल रिजर्व में 15,000। हमें करना है द कंपनी रिडीम द प्रेफरेंस शेयर बाय मेकिंग मिनिमम फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी 10
ईच एट अ प्रीमियम 5%। तो कहता है भैया हमें ना जो रिडीम करना है ना मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स और 10 रुपीज ईच और 5% प्रीमियम पे, ठीक है। तो मिनिमम नंबर निकालने का फॉर्मूला यही है, मिनिमम नंबर निकालने का फॉर्मूला यही है। लगाते हैं फॉर्मूला, टोटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना देना है, 2 लाख, यानी 2,20,000, इतना तो आपको आना चाहिए, डायरेक्ट मैंने कर लिया। कैसे आया 2,20,000? 20,000 था, 10 रुपए का एक, तो 2 लाख हो गए, और 10% प्रीमियम है तो उस पर 20,000, समझ में आइए। इजिकल टू टोटल रिजर्व एंड सरप्लस 15, 17, 25, 27 प्लस एक्स और प्लस एक्स बाय फाइव, नहीं फाइव आएगा क्या, 20, 5% है ना, 20 आएगा ना, ठीक है। सॉल्व करें, इधर आ जाएगा माइनस होके तो कितने बचेंगे, 90, 193 इज इक्वल टू 21x/20 इंटू 20/21 5% प्रीमियम, 5/100 करोगे तो 20 आ जाएगा ना। तो हमारे पास जो नंबर निकल के आया यहाँ पे x की वैल्यू का 183,809 रुपीज है ये। अब नंबर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 183,809 डिवाइडेड बाय कितने आ जाएंगे, 10 का एक शेयर है, कितने का है 10, 183,80, 9 पॉइंट का फ्रैक्शन हटा देते हैं, 40-50 रुपए का फर्क आया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे वाले इस वाले एग्जांपल में बहुत फर्क आ रहा था। अब इसकी कैलकुलेशन बिठा, ठीक है सर, हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में पहले से कितना था, 2,000, अब इससे कितना आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा, 5% है ना, यानी 50 पैसे, 183,80 × 0.5 इससे आ गया 9,190, कितने आ गए 9,190, कितने बने ये, कितने 11,190, ठीक है। हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस में कितने हैं सर, टोटल 25, फ्रेश इशू से कितने पैसे आएंगे, 183,80, फ्रेश इशू से कितने पैसे आ गए, 183,80 और 10 रुपए का एक रहेगा तो 10 और, यानी 183,800 रुपए किससे पैसा आ रहा है, फ्रेश इशू से। आपको CRR कितना बनाना पड़ेगा, 183,800 माइनस 2 लाख रुपए का फेस वैल्यू का CRR कंपैरिजन चलता है, माइनस 2 लाख, आपको 16,200 की रिक्वायरमेंट है। आपका फ्रेश इशू 183,800 माइनस कर दो, आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए 2 लाख चाहिए था तो और रिक्वायरमेंट आपको है 16,200, समझते जाना, यानी आपको CRR में कितने पैसे भेजने हैं, 16,200। हमारे पास कितने पड़े हैं, 25,000 है। अगर मैं इसको टू बी कंटिन्यू मैं यहां कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं इस 25,000 में से 16,200 रुपए CRR के लिए निकाल लूं तो मेरे पास 8,800 रुपीज बच जाएंगे, यही होगा। और हमें सिक्योरिटी प्रीमियम में और कितने पैसे चाहिए, 20,000 का प्रीमियम है, 20,000 के प्रीमियम में तो यहां से इतने प्रीमियम का इंतजाम हो गया, और कितने चाहिए प्रीमियम, 11,190 और माइनस 20,000, तो आप देखोगे 88,010 रुपए का प्रीमियम चाहिए।
नहीं समझे बात, 1810 का प्रीमियम चाहिए, तो आप देखोगे 1800 रुपये यहाँ रिजर्व में बच रहा है, ये प्रीमियम में चला जाएगा राइट ऑफ करने के लिए, और ये 10 रुपये मतलब 5-10 का फ्रिक्शन के वजह से फर्क आ रहा है वो, तो मतलब पैसा कुछ नहीं बच रहा है यहाँ पे, देख रहे हो, प्रीमियम भी पूरा लग गया, रिजर्व एंड सरप्लस भी यूज हो गया, कैश इशू भी हो गया, सब कुछ हो गया, पैसा कुछ भी, लेकिन इधर की साइड के एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, दोनों सामने है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो फ्रेश इशू इतने का है ना, मेरा वाला क्वेश्चन फ्रेश इशू, तो भैया हमारा फ्रेश इशू के बाद कितना है, 68,180, रिक्वायर्ड अमाउंट कितना था हमें, 1 लाख का चाहिए, तो माइनस करो जरा, यानी 31,820 का आपको रिक्वायर्ड है सीआरआर, जबकि आपके पास सीआरआर बनाने के लिए तो जनरल रिजर्व ही नहीं है 31,820। दोनों में क्या डिफरेंस है, यहां पे रिजर्व एंड सरप्लस का पैसा कम था और यहां पे रिजर्व एंड सरप्लस का पैसा ज्यादा था कंपेयर टू रिक्वायरमेंट, समझ रहे हो, तो दोनों में मिनिमम नंबर बोला गया है, दोनों ही सवाल में क्या बोला गया है, मिनिमम नंबर, लेकिन ये वाला सवाल जो था ये इक्वेशन मेथड से सॉल्व हो गया, लेकिन ये इक्वेशन मेथड से सॉल्व नहीं हुआ, अधूरा ही रह पाया, क्योंकि अगर सीआरआर में मुझे इतना बनाना है, मेरे पास जीआर में कितने पैसे पड़े हैं, ओनली 30,000, इसका मतलब सर 1820 रुपये भी पेंडिंग रह जाएगा, जिसकी वजह से मेरा क्वेश्चन ही खराब हो जाएगा। तो मुद्दा यह है सर, आपको इक्वेशन मेथड कब बना और कब आप डायरेक्टली कर सकते, है ना, तो आपके सामने क्वेश्चन है, जब आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर कम पैसा हो, देखो बहुत कम पैसा है मेरे पास यहाँ पे, ज्यादा पैसा था कंपेयर करें अगर, और रिजर्व एंड सरप्लस में ज्यादा पैसा हो, तब इक्वेशन मेथड आपका सक्सेस हो, अदरवाइज हर जगह नहीं लगता। तो सर क्या इसका जो आंसर किया ये पूरा गलत है? जी हाँ, इसमें इक्वेशन मेथड जो आपने लगाया है कोई मतलब नहीं बना, क्योंकि रिजल्ट नहीं मिला, या तो आपको एग्जाम में एक बार चेक करना पड़ेगा ये चीज। तो सर यहाँ पे कैसे करोगे, यहाँ पे मैं बड़ा सिंपल करूंगा कि सर हमारे पास डीआर कितना है, हमारे पास जनरल रिजर्व में, यानी सीआरआर हम कितना मैक्सिमम बना सकते हैं, पहले हम सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा निकाल लेंगे, सर सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, 5,000, और हम जीआर से पैसा ले लेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम 15,000, 20 चाहिए, 10 चाहिए, 10 चाहिए, 10,000, हाँ सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था, नहीं, ठीक है, हाँ हमें सिक्योरिटी प्रीमियम जीआर से कितना ले लेंगे, जीआर से अभी नहीं, हाँ ले ले, ठीक जाने दो, एक्स्ट्रा 5,000 हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम राइट ऑफ हो गया, जनरल रिजर्व में कितने बचे हुए हैं, 25, तो सीआरआर बनाने के लिए कितना हमें फ्रेश इशू कितना करना पड़ेगा सर, 75 का, जनरल रिजर्व में कितने बच गए, पहले देखो ध्यान से, सिक्योरिटी प्रीमियम में कितने हैं, 5, सिक्योरिटी प्रीमियम हमने 5 कहां से निकाल लिया, ये जनरल रिजर्व से निकाल लिया, मैं ये सारे इक्वेशन को भूल गया हूं, कुछ भी इक्वेशन नहीं है, नए सिरे से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, ऊपर वाले कैलकुलेशन को बिल्कुल ध्यान नहीं देना आपने, तो सिक्योरिटी प्रीमियम 5, 5 हमने पहले सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम का इंतजाम कर लिया, 10 हो गए सिक्योरिटी प्रीमियम का इंतजाम, अब 25 बच गए हमारे जीआर में, तो बाकी फ्रेश इशू कर देते हैं, 75,000 के फिर आपको जरूरत है, 75,000 के लिए आप 7,500 फ्रेश इशू कर दो सिंपल, कितने इशू कर दोगे फ्रेश इशू, 7,500, कोई इक्वेशन कोई कुछ नहीं करना, हाँ यहां पे फिर पैसा बचेगा आपका सिक्योरिटी प्रीमियम का, कितना पैसा बच जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम का, तो भी बचेगा, बचने दो, जाने दो बैलेंस शीट। तो इक्वेशन मेथड में मैं ये समझाना चाहता हूँ, कुछ ऐसे सवाल के अमाउंट गिवन होते हैं कि वो ले दे के सब कुछ बराबर हो जाता है, और कुछ सवाल के अंदर हमारा गिवन नहीं होता तो वो बराबर नहीं होता,
उस केस में हमें नॉर्मल कैलकुलेशन करना होगा। तो सर इसका कैलकुलेशन देखो, रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है, पहले एक बार नोट कर लेना, मैं इसका एक बार फ्रेश से फिर इसका कर देता हूँ। ये जो हमने पहले आंसर किया था गलत था, लेकिन इसका आंसर जो किया वो क्या था, क्योंकि यहां पे हमें पूरे पैसे की कमी नहीं पड़ी, सब कुछ बराबर हो गए, 8-10 रुपए तो फ्रैक्शन की वजह से आ रहा था। सर जब ऐसा क्वेश्चन होगा तो क्या करेंगे? सर सिंपल सी बात है सर, सिक्योरिटी प्रीमियम का इंतजाम पहले कर लो, 5,000 रुपए था रिक्वायर्ड, कर लो सिक्योरिटी प्रीमियम रिक्वायर्ड है, 5,000 रुपए हटाओ, 10,000 रुपए हो गए हमारे खत्म सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, 10,000 सिक्योरिटी प्रीमियम के पास जीआर में बचा कितने सर, 25,000। अब फ्रेश इशू कर दो आप कितने का, 76,000। तो फ्रेश इशू नंबर कितने होंगे, नंबर ऑफ शेयर्स होंगे 7,500 एट द रेट आपका 11 रुपए। जनरल एंट्री अगर मैं इसकी करने जाऊं तो क्या होगा सर, सीआरआर बना लिया, सीआरआर कितने बन सकते हैं 25। फ्रेश इशू कर दो शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर एप्लीकेशन कितने आ जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट में आ जाएगा आपका 75,000 × 11, 7,500 × 11 कितने हो रहे हैं, 82। ठीक है, इसके बाद शेयर एप्लीकेशन इक्विटी शेयर कैपिटल टू एसपी 82,500, 75,000 और 7,500 के बाद क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर को बुला लेंगे, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 1,00,000 रुपए, 10,000 और 1,10,000। अब क्या करो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। लास्ट क्लास के अंदर हमने फाइनेंस के ऊपर देखा था कि हमें पैसे अरेंज करना था, तो उसके लिए नंबर ऑफ शेयर्स कुछ भी इशू कर सकते थे। अब सिक्योरिटी प्रीमियम को पुराने वाले को राइट ऑफ करो, तो बैलेंस शीट में से निकाला 5,000 और जनरल रिजर्व से कितने निकल गए, 5,000 और 2 क्या करेंगे, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000 ये राइट ऑफ किया। हाँ, आपके पास ना 7,500 रुपये प्रीमियम का बैलेंस बचा हुआ है, कौन से वाला का तो यूज नहीं हुआ ना, आप चाहो तो यहां पे यूज कर सकते, यानी यहां पे एकदम एग्जैक्ट कुछ ऐसा नहीं बनने वाला समीकरण कि एकदम सेम आ जाए। ठीक है, दूसरे साइड अगर मैं इसकी जनरल एंट्री करूं तो इसकी जनरल एंट्री में क्या होगा, फ्रेश इशू पता चल गया हमें, सारी एंट्री बिल्कुल सेम ही होगी, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, बस यही रहना। यहां पे हमने कोई इतना ज्यादा कैलकुलेशन तो किया नहीं सर, और यहां पे हमने किया, तो एग्जामिनर बोले ना जब इक्वेशन मेथड से करो सॉल्व, अब आपने इक्वेशन मेथड लगाना है, अदरवाइज आपको जर्नल कैलकुलेशन करके नंबर ऑफ शेयर इशू कर दो, हर बच्चे का नंबर ऑफ शेयर क्या हो सकता है, अलग अलग आ सकता है। ठीक है, आप इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, एक डाला था जिसमें नोट भी डाला था, नो नीड टू एड करने की जरूरत, बच्चों ने कई बार पूछा आगे हो। देखो किसी क्वेश्चन में नोट डाला हुआ है कि यहां इक्वेशन मेथड करने की जरूरत, नोट डला हुआ ये देखना आप, हाँ एलजेब्रिक इक्वेशन 10 कहता है, इन दिस केस एलजेब्रिक इक्वेशन नीड नॉट, यहाँ पे नहीं बनाना,
अब क्वेश्चन नंबर मैंने इसलिए सिमिलर डाला है, आप क्वेश्चन नंबर एक देखिएगा 9 और एक देखिएगा 10। अगर आप और क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा ही आएगा, 9 देखिए और 10 देखिए। 9 में भी क्या कहता है, मिनिमम बैलेंस आपको रिक्वायर्ड करना है, मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10 रुपीज ईच 10% प्रीमियम पे, ठीक है। और 10 में भी देखिए यही बात कहता है कि कंपनी इशू सफिशेंट नंबर ऑफ 10 रुपीज ईच एट अ प्रीमियम 1 रुपीज, और वहां पे भी मिनिमम बैलेंस। आप सवाल नंबर 9 और सवाल नंबर 10 को जब आप करेंगे, पढ़ने में एकदम हुबहू सेम लगेगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपको इक्वेशन मेथड से सॉल्यूशन करके दिखाया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर कोई इक्वेशन मेथड नहीं किया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर जब सॉल्यूशन इक्वेशन मेथड से करेंगे तो वहां पे पूरा समीकरण नहीं बन रहा था उस टाइप का, और 9 में बिल्कुल एग्जैक्ट बन रहा था। तो हमें कैसे पता चले, एग्जाम में जब बोले इक्वेशन मेथड से करने को तभी करना, अदरवाइज आप सिंपल जैसा मैंने 10 वाला क्वेश्चन किया हुआ है इस तरीके से कर सकते। ठीक है, तो 9 और 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब एक अगले कॉन्सेप्ट पे चले, और मैंने ऑल्दो नॉर्मल वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 पूरा सॉल्यूशन कराया हुआ है। अब जाएंगे नॉर्मल वीडियो में, 9 का पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा वीडियो में, 10 नहीं कराया हुआ, 10 में करा दूंगा एक बार, लेकिन आप पहले ट्राई कर लीजिए 10 क्वेश्चन ये कैसे होगा। और अगर ये दोनों क्वेश्चंस कर लिए ना, तो इस चैप्टर की सारे दुविधा खत्म, इस चैप्टर में कंफ्यूजन सिर्फ यहीं पे बचता है, बाकी कहीं नहीं बचता। ठीक है, इसे मिटा देते हैं। एक क्वेश्चन आता है कुड नॉट बी ट्रेस्ड वाला, कुड नॉट बी ट्रेस्ड, अगर आप बोलोगे तो मैं 10 ईयर का ही क्वेश्चन कर दूंगा कुड नॉट बी ट्रेस्ड वाला। सवाल नंबर है आपका 12, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ये, और मुझे लगता है इस बार भी इस टाइप का क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हटा दे इसको, और वीडियो जो है एप्लीकेशन पे तो साथ के साथ आ ही रहा है, और टेस्ट भी चल रहा है भाई 5 बजे रेगुलर। हाँ जी, इस क्वेश्चन का सबसे लास्ट क्वेश्चन मान के चलो, सबसे टफ क्वेश्चन मान के चलो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलो, जो मर्जी मान के चलो, ठीक क्वेश्चन बनता है हमारा 12। मैं पूरा 12 क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, आप सभी के पास 10 ईयर होगा। 12 में कहता है द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ जय भारत लिमिटेड 31/12/12 का है। कुछ बैलेंस शीट गिवन है, इसमें शेयर कैपिटल गिवन है, रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है, ट्रेड रेटर गिवन है, एंड बहुत सारी चीजें गिवन है। अगर प्रेफरेंस शेयर की हम बात करें तो यहाँ पे कहता है 5,000 प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए का एक है, जिसमें लेस फाइनल कॉल 20 रुपए, 200 प्रेफरेंस शेयर ऐसे हैं जिसने पूरे पेमेंट नहीं किए। तो आपको मैंने बताया था कि अगर कोई कॉल सिनेरियर होगा तो हम क्या करेंगे, उससे पहले पूरे पैसे मंगवा लेंगे। 30 जून को द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड द प्रेफरेंस शेयर 10% प्रीमियम पे, सेल द इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू 80,000 का। आपको इन्वेस्टमेंट पहले कंपेयर करना होगा, सर इन्वेस्टमेंट कितने का था हमारा, पहले 1,00,000 का था, 80 का, 20 का क्या कर लिया इसने, नुकसान कर लिया। दे ऑल्सो डिसाइड इशू सफिशेंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10 रुपीज ईच एट अ प्रीमियम 1 रुपीज। इसने डिसाइड किया कि हम सफिशेंट नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर करेंगे इक्विटी शेयर, वो भी 1 रुपए का। आफ्टर यूटिलाइजेशन ऑफ सरप्लस लीविंग बैलेंस, और आपको बैलेंस छोड़ देना है, कितना बैलेंस छोड़ देना है आपको, 1,00,000 रुपए अपने रिजर्व एंड सरप्लस में। प्रीमियम रिडेम्पशन रिक्वायर्ड सेट ऑफ अगेंस्ट द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और जो भी प्रीमियम को सेट ऑफ करोगे वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का यूज कर दोगे। जब हम रीपेमेंट करने गए ऑन द रिडेम्पशन, वी आर मेड फुल एक्सेप्ट 1 शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर। हम सभी का पेमेंट करने गए, लेकिन वहां पे 100 शेयर होल्डर नहीं मिले, उनको पैसे नहीं देने पड़े। इस क्वेश्चन के अंदर 2 पॉइंट और ऐड होना चाहिए बोनस का, और एक मेनली बोनस का ही ऐड होना चाहिए,
और बायबैक का भी हो सकता है, बट बोनस का एक क्वेश्चन और ऐड हो जाएगा, पूरा 15 नंबर का ये क्वेश्चन बन जाएगा ये। तो सवाल मैं सामने लिख भी देता हूँ सर, क्या कहता है जो हमारे कनेक्टेड है जिससे पॉइंट, तो रिजर्व एंड सरप्लस में पैसा पड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर? 12। शायद मैंने 10 ईयर में कराया नहीं कराया, मुझे याद नहीं है, लेकिन फिर दोबारा रिविजन में मैं करा देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस में कितने पैसे हैं बताइए? 30,000 या 3 लाख? 3 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितने पैसे हैं? 30,000। कितने प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना है हमें सर? प्रेफरेंस शेयर कितने परसेंट वाला नहीं दिया, तो 5,000 प्रेफरेंस शेयर। और कितने रुपए वाला? 100 रुपए का एक। इसमें से 200 शेयर के पैसे नहीं आए फाइनल कॉल के, जिसको हम मंगवाएंगे। कॉल सिनेरियर कह रहे हैं ना कि 200 शेयर के रह गए 20 रुपए, तो वो 20 रुपए हम मंगवा लेंगे बैंक से और एजम्पशन लेंगे। डिसाइड रिडीम प्रेफरेंस शेयर 10% प्रीमियम, और हम रिडीम करेंगे इसे 10% प्रीमियम पे, यानी। और इसके लिए हमें, पहले यहां तक समझ में आया? क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल चल रहा है। और जब हम इसको पेमेंट करने गए, जब हम इसको पेड करने गए, तो यहां पे 100 प्रेफरेंस शेयर होल्डर मिले ही नहीं पैसे लेने के लिए, नॉट फाउंड। इसके पेमेंट नहीं करेंगे, ड्यू तो करेंगे लेकिन पेमेंट नहीं करेंगे। इस पर्पस के लिए हमने कुछ इन्वेस्टमेंट भी बेचा, और उस इन्वेस्टमेंट का कीमत 1 लाख था, बट आपने सोल्ड कर दिया उसको मात्र 80,000 में, ठीक है? और आपको बोला जाता है कि आप सारा प्रीमियम यूज नहीं कर सकते, सारा पैसा आपको रिजर्व एंड सरप्लस में पैसे छोड़ने हैं। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर मिनिमम बैलेंस छोड़ना है, वो कितना है हमारा? 1 लाख रुपए। मिनिमम बैलेंस छोड़ना है वो कितना है हमारा? दैट इज 1 लाख रुपए, ठीक है? अब आपको क्वेश्चन आपके सामने है बुक में, इससे ज्यादा इसका कुछ इस्तेमाल होना नहीं है। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। अब सबसे पहले हमें वर्किंग नोट करना पड़ेगा। वर्किंग नोट में क्या करना पड़ेगा? हमारे पास अवेलेबल सरप्लस कितना था? रिजर्व एंड सरप्लस अंदर पैसा, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस कह लेते हैं, चलो प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में कितना बैलेंस है सर? 3 लाख रुपए है कि नहीं? इसमें से आपको छोड़ना है, लीव करना है। कितने लीव करने हैं इसमें से? 1 लाख। और इसमें से माइनस कर दोगे जो लॉस भी हो गया ना, तो आपका कितना लॉस हो गया? अब आपके पास जो रिडीम के लिए पैसा पड़ा हुआ है, अवेलेबल फंड, अवेलेबल फंड है, कितना फंड बच गया? 1,80,000। पहले तो ये कैलकुलेशन, सिक्योरिटी प्रीमियम की तो कहानी अलग ही है। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना पेड करना है सर? अगर मैं बोलूं यहां पे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कितना पेमेंट है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को देना पड़ेगा 50,000 इंटू 5,000 इंटू में 100, 5 लाख, एंड सिक्योरिटी प्रीमियम देना पड़ेगा 50K। यहां तक बताइए, कोई डाउट? अब यहां पे भी इक्वेशन मेथड लग सकता है, लगेगा इक्वेशन मेथड अगर चाहो लगाना तो, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बैठेगा। मैं दोनों से करके दिखाऊंगा इसका, ठीक है? बताइए यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब बहुत सिंपल सी बात है, सिंपल तरीके से चलो इक्वेशन मेथड को एग्जाम में थोड़े टाइम के लिए, जब तक ना बोले हम नहीं फॉलो करेंगे, कहीं बोला नहीं था तो सर हम इसका तो सीआरआर बन सकता है। हमें टोटल 5 लाख रुपए फेस वैल्यू का इंतजाम करना था, जिसमें से सीआरआर के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पैसा कितना है? 1,80,000।
80,000 देन हमें फ्रेश इशू कर देना चाहिए, कितना, 3,20,000 आंख बंद करके हमें फ्रेश इशू, दैट्स इट। कोई इक्वेशन मेथड नहीं लगाना, सवाल में बोला ही नहीं है इक्वेशन। अगर हम इक्वेशन मेथड लगाते, पहले यहां तक समझ में आ गया, पहले मैं जर्नल एंट्री कर दूं इसकी, या पहले दूसरा एस्पेक्ट भी इधर ही कर दूं, इक्वेशन मेथड लगाते, अगर हम इक्वेशन मेथड लगाते तो पता है क्या होता, 550,000 इज इक्वल, हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस में 3,30,000, जबकि 1,00,000 छोड़ के, तो 2,00,000 प्लस कितने पे था हमारा इक्विटी शेयर, हमें कितने पे करना है, 10 रुपये का इक्विटी शेयर है एक्स प्लस में, और कितने रुपए प्रीमियम, 1 रुपये एक्स बाय 10, ठीक है। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, मैं डायरेक्टली कर, हाँ 10, 11 क्या आ जाता हमारा, 9,090 या 2,90, 9,10 क्या आ गया, डिवाइडेड बाय 10 कर दी, नंबर आ गया 2,991, ठीक है, 9। अगर हम देखें इतना तो हमारा फ्रेश इशू, फ्रेश इशू कितने हो गए सर हमारे, 2,90,910 रुपये, और हमें शेयर कैपिटल कितना था हमारा, फेस वैल्यू दैट इज 5,00,000, माइनस करिए कितना, 19 प्लस ये बच गया 2,90 एंड 90 है, हाँ ये बच गया। लेकिन सर हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस में तो मात्र कितना पैसा है, यही है। क्या आप इतना सीआरआर बनाने के कैपेबल हो, तो जवाब है नहीं सर, क्योंकि हमारे पास इतना फंड ही अवेलेबल नहीं, क्योंकि सीआरआर बनाने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम को रिस्ट्रिक्शन किया हुआ है, इसे यूज नहीं कर सकते, ओनली प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में तो इतना पैसा है ही नहीं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में 3,00,000 रुपए थे, जिसमें से हमने 1,00,000 रुपए वैसे ही छोड़ दिए, इसके बाद 20,000 रुपए का लॉस वाला भी निपट गया, तो हमारे पास कितना पैसा बचा हुआ, ओनली 180। तो क्या यहाँ पे 180 का हम सीआरआर बना देते हैं, अगर मान लो 180 का, तो फिर भी तो हमारे कम से कम 29,000 रुपए की शॉर्टेज आ जाएगी, जो कि हमारा लॉ 55 जो है, सेक्शन 55, उसको हमने कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। सेक्शन 5 क्या कहता है, भाई प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपका फ्रेश इशू और सीआरआर दोनों को मिला के आपका जितना फेस वैल्यू रिडीम कर रहे हो उसके बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे ये कहानी नहीं बनेगी। तो इसका मतलब सर ये इक्वेशन बेकार है। तो सर इक्वेशन मेथड कब अप्लाई करें, ये तो हम कंफ्यूज रहेंगे पूरे पेपर में, जब बोला जाए मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स निकालो, सर इक्वेशन मेथड से करो, जब तक क्वेश्चन इंडिकेट ना करे आप मान लो भाई सिंपल ऐसे करता है, समझ में आई बात। मैंने दो क्वेश्चन दे रखे हैं इक्वेशन मेथड के, जो 9 है और 8 और 9 शायद जो भी है, वो आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, बाकी क्वेश्चन ये देखो कितने सिंपल तरीके से क्वेश्चन हो गया। हमारे पास पी एंड एल में कितना था, 3,00,000, भैया बोला छोड़ दो 1,00,000, छोड़ दिया, लॉस 20,000, लॉस को ध्यान रखना है, कौन सा लॉस, ठीक है, अवेलेबल 1,80,000 है, भैया 5,00,000 रुपए जरूरत थी, 5,00,000 रुपए में से 1,80,000 सीआरआर बना सकते हैं, बाकी फ्रेश इशू कर दो, समझे। 15 नंबर का आया हुआ भी एग्जाम में, और मुझे इस बार कंफर्म है, इसमें बस बोनस इशू ऐड करेंगे, वो क्वेश्चन ऐसा ही है, बस बोनस इशू ऐड करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे जनरल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो पहले कुछ भी एंट्री करो, जरूरी नहीं है कि पहले सीआरआर नहीं बनाना, पहले फ्रेश इशू करना, कुछ भी कर सकते हो। सबसे पहली एंट्री मैं करता हूँ, कॉल सिनेरियर जो रह रहे थे ना यहाँ पे, कॉल सिनेरियर भी था ना, 200 शेयर उसके मंगवा लेते हैं, तो शेयर फाइनल कॉल 2, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने थे, 4,000, और बैंक टू शेयर फाइनल कॉल
कितने हो गए? 4,000। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत इस एंट्री में। अब फ्रेश इशू कर देते हैं, शेयर एप्लीकेशन बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, कितने हो गए आपके? 3,20,000। और इसके ऊपर भी प्रीमियम लगेगा ना, ये तो 3,20,000 नंबर आए, रुपीस आए, इसके ऊपर कितने परसेंट प्रीमियम? 200 में से 100 ने नहीं दिए, 100 ने पैसे नहीं मांगने आया, वो लास्ट में आएगा, अभी देखते जाओ। तो कितने आएंगे? 3,32,000 और जोड़ दो इसमें। कितने नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें तो सर आपका ये था, यही आएगा नंबर ऑफ शेयर्स। तो प्रीमियम कितने रुपए का? 1 रुपये का। 32,000 और प्रीमियम का जुड़ जाएगा, बैंक में पैसा आएगा, कितने पैसे बन जाएंगे बैंक के लिए? मैं बोल रहा हूँ फटाफट देखो क्योंकि रिवीजन है, 352, ठीक है। और अब आ जाएगा शेयर एप्लीकेशन, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल एंड 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, 352, 320 और 32। CRR बना ले, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू CRR कितने बना सकते हैं? मात्र 180। अब बुला ले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, बोलेंगे भैया आ जा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,00,000, तुझे सिक्योरिटी प्रीमियम भी देंगे कितना? 50,000। और तुझे टोटल पैसा देना है कितना? 5,50,000। पेमेंट में देने गया तो बैंक में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जब मैं पेमेंट देने के लिए गया तो 100 शेयर होल्डर तो मिले ही नहीं, तो 100 नहीं मिले तो मैं सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं यहाँ पे? 5,000 है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ पेमेंट कर पाऊंगा 4,900 शेयर होल्डर को, 100 क्योंकि 100 शेयर होल्डर मिल ही नहीं रहे, तो पेमेंट तो इन्हीं को करूंगा मैं, तो 4,900 × 110 यानी 539। और मैंने बैंक करके पेमेंट कर दिया, बोला छुट्टी 530। अब सिक्योरिटी प्रीमियम राइट ऑफ करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम पूरा राइट ऑफ होगा सर। एसपी डेबिट यहां पे कितना पड़ा है सर? 30 पड़ा हुआ है। और फ्रेश इशू पे भी प्रीमियम कितने आए थे? 32 आए थे ना, हमें रिक्वायरमेंट कितना है? 20, इसी में से 20 निकाल लेंगे, तो मैं यहां पे कर दूं 50। 50 कैसे आया? 30 पुराना पड़ा हुआ था और प्लस 20 फ्रेश इशू से निकाले हैं। क्या अभी भी स्टिल सिक्योरिटी प्रीमियम में कुछ पैसा पड़ा हुआ है? हाँ पड़ा हुआ, जो नए बैलेंस शीट के अंदर आपको रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम न्यू वाला, कौन सा न्यू वाला? ये वाला 50। क्वेश्चन खत्म। देखिए बैलेंस शीट बनाने को बोला गया है, बिल्कुल बोला गया है, मैं आप सभी से बोलूंगा, आप सभी को बोलना चाहूंगा बैलेंस शीट जरूर बना लेना। जब नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैंक का भी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि पेमेंट किया है आपने यहाँ पे, तो बैंक में से इतने पैसे माइनस हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा, रिजर्व एंड सरप्लस में आपका क्या पैसा पड़ा होगा? 1,00,000 रुपए ये, और सिक्योरिटी प्रीमियम के 12,000 यहाँ से। आप चेक कर सकते हो, आंसर में दे रखा होगा शायद। देखो रिजर्व एंड सरप्लस में जाओ, 12,000 सिक्योरिटी प्रीमियम का मिलेगा, कैपिटल रिजर्व 180 का मिलेगा, 1,00,000 सरप्लस 292 आ गया, ठीक है। वो आप दोनों कर सकते हो, क्योंकि यहां पे फिक्स नहीं है कि कितना बचेगा, एक्स्ट्रा बच रहा है तो बचने दो, ठीक है। आपको ये मेथड ठीक लग रहा है? बिल्कुल, ठीक है ना। तो मेन पता है सबसे बड़ा यहां पे, सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो इक्वेशन मेथड कब लगाएं कब ना लगाएं। मैंने क्वेश्चन बोल दिया, जब क्वेश्चन बोले तो लगा लेना, ना बोले तो मत लगाना, सिंपल तरीके से ऐसे कैलकुलेशन करके निकाल लेना, बात खत्म, ठीक है। और मैं यहाँ पे चाहता तो, जैसे बोल रहे थे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम, तो मैं यहाँ पे चाहता तो पहले सिक्योरिटी प्रीमियम भी माइनस कर देता, बचता बाकी फ्रेश इशू, सही खत्म, ठीक
लेकिन इस क्वेश्चन में एक बात और बोला था कि सिक्योरिटी प्रीमियम का पेमेंट आप सिक्योरिटी प्रीमियम से ही करना फ्रेश इशू। तो आप देखेंगे आपके सामने ये क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पे गिवन है, जो कि स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री में भूल चुका हूँ, जो कि आप कर देंगे। कराया नहीं करा मैंने इन्वेस्टमेंट बेच, नहीं करा वो हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं है, क्या करेंगे कर देता हूँ। कैसे होगा बैंक, कितने पैसे आएंगे बताओ, 80 प्रॉफिट एंड लॉस से कितने डेबिट होंगे, 20 लो हो गया। तो आपका इस यूनिट में 8 चैप्टर हैं भाई साहब, जिसमें से मुझे सबसे दमदार चैप्टर और सबसे आसान चैप्टर और सबसे ज्यादा नंबर आने वाला चैप्टर ये लगा। इसके अंदर बस क्या इंक्लूड होना है, बोनस इशू, शेयर कैपिटल जो कर रखा था वो कर रखा था, बोनस इशू, बाय बैक, शेयर कैपिटल, चैप्टर इतने सारे ना, डिवेंचर में से भी जो स्पेसिफिक लास्ट में टॉपिक कराए थे इनमें चॉइस आएंगे आपके, ध्यान रखिएगा, डिवेंचर्स और शेयर्स में चॉइस आएगा। कैसे चॉइस आएगा सर, डिवेंचर और शेयर्स में, आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, आपका बोनस, और आपका अगला बोनस के बाद क्या था, बायबैक। ये अकेले पड़ जाते हैं और इसके साथ खड़ा हो जाता है कौन, इसके साथ खड़ा हो जाता है अकेला डिबेंचर। और डिबेंचर में बच्चों को परेशान करता है सिंकिंग फंड, जो पूछता है आप डिबेंचर में से सिंकिंग फंड वाले पॉइंट को छोड़ करके बाकी सारे पॉइंट तो इजी इजी थे, कन्वर्जन इजी था, है ना, और जिसके अंदर बहुत सारे ढेर सारे ऑप्शन देते थे, भाई ऑप्शन ए तू नया डिबेंचर ले ले, पैसे ले ले, वो वाले शेयर्स, एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट, है ना, और ओन डिबेंचर वाले, तो वो पॉइंट्स को आप अच्छे से कर लो, सिंकिंग फंड को एक बार रफली देख लो, ये आपको और में मिलेगा ही मिलेगा करने को। ये है इसका पूरे का पूरा पहला जो क्वेश्चन आपका बनेगा इस टाइप। दूसरा क्वेश्चन सर फाइनल अकाउंट का ही होना है पूरा, 15 नंबर का, उसमें कोई रोक टोक है ही, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपका जो बनना है वो बनना है वैल्यूएशन ऑफ शेयर या वैल्यूएशन ऑफ गुडविल या वैल्यू एडिड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कुछ क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन जो बनना है वो भी फिक्स है सर, किसका बनेगा सर, चौथा क्वेश्चन आपका बनना है एमलगेमेशन और रिकंस्ट्रक्शन में, और पांचवा क्वेश्चन थ्योरिटिकल आना है पूरा। अब ये हो सकता है कि पांचवें क्वेश्चन थ्योरी को पहले कर दे, बाकी ऐसे कर दे, पेपर में से क्वेश्चन ऐसे ही बन। अगर आप इस तरीके से फिक्स माइंड में कॉन्सेप्ट लेके टारगेट बेस चलोगे तो बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन वही है कि अगर किसी बच्चे ने कुछ नहीं किया तो उनको तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये चैप्टर हम खत्म करते हैं, आपके टेनियर में सवाल दे रखे हैं, और जिन बच्चों का डाउट बनता है टेनियर के, मैं कहूंगा देखो 10 दिन बचे हैं और पहला पेपर ये पढ़ रहा है आपका, 10 दिन भी नहीं बचे अब तो मैं ये कहूंगा कि इसके जितने क्वेश्चन है आप सारे क्वेश्चन 12-13 क्वेश्चन टेनियर के कर लीजिए, इनफ टू इनफ है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है कि क्या ये आ गया वो आ गया ऐसा आ गया वैसा आ गया, कुछ नहीं करना, ये कर लीजिए। अगली क्लास के अंदर मैं रिवीजन में बोनस, और अगली क्लास यानी कल रिवीजन में बोनस कराऊंगा, बोनस खत्म कल ही हो जाएगा, तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, बोनस खत्म हो जाएगा। बायबैक आपने रिसेंटली किया ही था, बायबैक आपको आता होगा, तो इसके अंदर इनकॉर्पोरेट बोनस हो सकता है, एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट। इसके बाद मैं रिवीजन में कौन सा चैप्टर उठा लूंगा, देखो वैल्यू ऑफ शेयर्स और गुडविल उठाने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, तो रिसेंट में किया आपका हो जाएगा। रिवीजन में मैं इसॉप एक करवाना है, क्योंकि पहले अच्छे तरीके से नहीं हुआ था, एक मैं इसॉप करा दूंगा आपको रिवीजन में, और क्या कराना है सर, और कुछ एक पॉइंट मैं देखूंगा जो करवा सकता हूँ,